हेलो एवरीवन, मेरा नाम साय। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देना, कर दे। और आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मेहनत है आपकी। हाँ जी भाई, कर दो। तो आज की जोड़ी लेकर आए, इसमें हम देखने वाले हैं देविका जी पर वचन, सबसे कम उम्र की भाई भगवत कथा हम सुनने वाले हैं एक बच्ची के मुंह से, जो कि बहुत ज़्यादा कम उम्र की हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें। हमने फर्स्ट टाइम इनको भी देखने वाले हैं। वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा इंडिया के जो चलाक बच्चे हैं उनको देखा ही हुआ है, लेकिन आज इनको भी देख लेते हैं। तीन साल के देखे हैं। हाँ, तो ऐसा करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। पहले चैनल को क्या करना है, क्या करना है? बोलो राधा रानी सरकार की। अरे भक्त, थोड़ी जोर का जयकारा लगा दीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी आवाज नहीं आई, और जोर का जयकारा लगाइए। सभी मिलकर के जोर का जयकारा लगाएंगे। बोलो राधा रानी सरकार की। अभी आवाज नहीं है। माताओं, बहनों, भाइयों, आप सभी लोग इतना जोर का जयकारा लगाएं कि पूरे छतरपुर में आवाज गूंज जाए, पूरे छतरपुर में आवाज गूंज जाए। ठीक है, इतनी जोर का जयकारा लगाना सभी मिलकर के। बोलो राधा रानी सरकार की। अभी भी आवाज नहीं है। आप लोग सभी मिलकर के जोर का जयकारा नहीं लगा रहे हैं, पूरे छतरपुर में आवाज गूंज जाए, इतनी जोर का जयकारा लगाओ और छतरपुर, पूरे छतरपुर के वासी समझ जाएं कि भजन संध्या का प्रोग्राम शुरू हो गया। ठीक है, प्रारंभ हो गया, इसलिए इतनी जोर का जयकारा लगाइए। बोलो राधा रानी सरकार की। राजा रामचंद्र भगवान की। हमारे माइक वाले भैया, माइक का थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। वॉल्यूम बढ़ा दो। बोलो बंशी वाले की। कस्तूरी तिलकम लालाट पटले वक्षस्थल कौस्तुवम नाशाग्रेवर मुक्तिकम करतले वेणु करे कंकुडम शरवांगे हरिचंदनम शुललेतम कंठे चमो तावली गोपास्त्री परवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधुषे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रण कर कस राम राम श्रीराम राम शरणम भव राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास शव द्वारन को
छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। शीर्षभान की लाडली जरा मेरी ओर निहा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल कीशो, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। हम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणे नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो वंशी वाले की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अरे सभी लोग जोर का जयकारा लगा दीजिए, थोड़ी ढीले ढीले बैठे हुए, अरे थोड़ी जोर का जयकारा लगा दीजिए। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। और आज हम सभी को, आज आप छतरपुर वासियों, हम सभी को इस पैप्टिक टाउन में कितना सुंदर अवसर मिला, कितना सुंदर मौका प्राप्त हुआ है, कितना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है आज हम सभी को कि हमारे त्रिपाठी परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ है। एक आदि शक्ति ने, एक देवी शक्ति, एक आदि शक्ति ने, देवी शक्ति आदि शक्ति ने कन्या के रूप में, शिवन्या नाम की कन्या के रूप में अवतार लिया है, जन्म लिया। गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा ही आपने कि भाई छोटी सी उम्र में हमें, मतलब बच्चे ऐसी बातें करते हैं जैसे ना वो बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के, उनको बहुत ज्यादा ना अकल है, मतलब होती भी होगी लेकिन बच्चों को होती है। हाँ कई बच्चे होते हैं उनका ना मतलब माइंड सेट ऐसा होता है कि वो ना मेच्योर बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसको आप मतलब हमारी इतनी है जो चीज नहीं समझ पाते, तो वो छोटी सी उम्र में वो चीज समझ जाते हैं। वैसे ही बच्चे होते हैं। और उन्होंने कथा सुनाई, वाकई में आवाज तो बड़ी सुंदर सी थी और इतने वो मतलब मैं, मुझे तो लगी नहीं था कि बच्ची है। तो वो बोले ऊंची आवाज से बोलो, वो आप में जोश ही नहीं है, वो जोश ही नहीं, जोश जज्बा होगा तो आपको सुनने में और मुझे सुनाने में भी मजा आएगा। तो भाई काफी ज्यादा भी अच्छी प्यारी आवाज थी, सॉरी। तो बहुत ज्यादा भाई अच्छा लगा मुझे तो सुनकर। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई इनकी उम्र कम है लेकिन इनका काम बड़े बड़े हैं। वाकई में सुनकर विचित्रता मुझे बहुत ज्यादा हुई है। आपको कैसा लगा कि आपने छोटा सा बच्चा हूं पर काम पर वो बड़े बड़े, हाँ वो वाला सिस्टम है ये। तो कैसा लगा बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता है।